वीरू तिवारी आए थे, उनके साथ दो और कांग्रेसी रहे आए। उन्होंने कहा कि आप चलिए, हम वहाँ पर उनके सम्मिलित हो जाए। हम कहा हम वहाँ नहीं जाते, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा एक शुभकामना दे दी, तो हमने एक शुभकामना दे दिया। धन्यवाद करूंगा। एक नौजवान पैदल चल रहा है देश में, प्रशंसनीय बात है, इसमें खराब बात क्या है? भारत जोड़ो यात्रा अब तक कई राज्यों से गुजर चुकी है। मुंबई में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी से गुजर रहे यात्रा पर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि सभी को कार्यक्रम आयोजित करने की स्वतंत्रता है और हमें लोगों की भावनाओं का सम्मान करना होगा। अब बात यूपी की है तो क्या राम मंदिर से ही आशीर्वाद मिल रहा है यात्रा को? मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को आशीर्वाद देने के एक दिन बाद अयोध्या से और आवाजें गूंजने लगी। वीएचपी के चंपत राय से लेकर हनुमानगढ़ी के महंत से लेकर राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी तक ने यात्रा के कारण का समर्थन किया और बताया कि देश को एकजुट करना अच्छी बात है। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, जो बाबरी मस्जिद विध्वंस साजिश मामले में 2020 में बरी हुए, उन्होंने भी यात्रा का समर्थन किया और कहा कि यात्रा की आलोचना नहीं की गई है। 50 साल का नौजवान हिंदुस्तान के 3000 किलोमीटर दूरी को पैदल चलेगा और इस मौसम में भी चलेगा, तो इसको अप्रिशिएट ही करेंगे हम तो। अब भारत माता का नाम लेकर के कोई भी कुछ काम करता है, कोई भी हो, हम तो उसकी सराहना ही करेंगे और यही कहेंगे कि भगवान श्री राम उनकी बुद्धि में वही प्रेरणा दे जिससे राष्ट्र एक बना रहे, समर्थ बना रहे, समरस बना रहे और विश्व का मंगल करता है। उनकी यात्रा ही भारत जोड़ो है, नाम है। हाँ, तो अच्छी बात है कि भारत जोड़ो जो उनकी यात्रा है वो मंगलमय हो और उनकी सफलता उनको मिले और सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय हो। दिगंबर अखाड़ा और निर्मोही अखाड़ा के प्रमुखों ने कहा कि उन्हें कांग्रेस का निमंत्रण नहीं मिला है। निर्मोही अखाड़ा के प्रमुख रामदास ने कहा, हमें न्योता नहीं मिला, लेकिन हम ऐसे किसी भी व्यक्ति का समर्थन करते हैं जो राष्ट्र हित की बात करता है, संस्कृतियों को जोड़ता है, भारत में या बाहर रहने वाले देश के नागरिकों को। खैर, भारत जोड़ो यात्रा का फ्यूचर क्या है और कितने लोग इससे जुड़ेंगे, क्या कहेंगे, ये सब खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए भी जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनसत्ता। शुक्रिया।